वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमास कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे PS2 के मूवी के 2 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और जैसे कि आपको बताइए कि PS1 2022 में मूवी रिलीज हुई थी और इस मूवी ने जो है कि 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था और एक मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी हो गई थी। और दोनों ही मूवी को यानी कि PS1 और PS2 को यानी कि 250 करोड़ के बजट से बनाया गया था। जी हाँ गाइस, 250 करोड़ के बजट से दोनों ही मूवी को बनाया गया था। यानी कि PS1 पहले ही ऑलरेडी मतलब कि 500 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। बात करते हैं PS2 के कलेक्शन के बारे में। तो PS2 का जो पहले दिन का नेट इंडिया कलेक्शन जो निकल के आ रहा है भाई, और तो वो है लगभग 51 करोड़। जी हाँ गाइस, लगभग 51 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन भाई मेरे। और जैसे कि आपको बताइए, इसके लीड में आपको ऐश्वर्या राय दिखाई देंगे और इसके साथ साथ यानी कि कार्थी, जयराम और ऐश्वर्या लक्ष्मी दिखाई देंगे, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन मतलब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं अपनी। और इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 51 करोड़ का कलेक्शन किया है। बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आज जो इस मूवी को जो रिव्यू मिले हैं वो तो ठीक ठाक हैं, बट मतलब कि कलेक्शन में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला और लगभग 40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है आज। और ये मूवी आज कमा रही है लगभग 27 से 28 करोड़। जी हाँ, लगभग 27 से 28 करोड़। और जिससे कि इस मूवी का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है लगभग 78 करोड़। जी हाँ गाइस, लगभग 78 करोड़। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के 2 दिनों के बारे में। तो इसका जो 2 दिनों का यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है लगभग 125 करोड़। जी हाँ गाइस, लगभग 125 करोड़, क्योंकि ये मतलब कि ओवरसीज से बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था इस मूवी को। तो इसका जो 2 ही दिनों का कलेक्शन है वो लगभग 125 करोड़ हो चुका है। और क्योंकि मूवी का बजट है 120 करोड़, 125 करोड़ ही इस मूवी का बजट है, क्योंकि दोनों ही मूवियों को मिला के 250 करोड़ का बजट था। तो इसका जो बजट है वो जिसने 2 ही दिनों में रिकवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि आगे जाके यानी कि अपने लाइफ टाइम में ये मूवी लगभग लगभग तो 300 से 400 करोड़ आराम से ही कमाई, क्योंकि भाई 2 ही दिनों में मतलब 125 करोड़ कमा लिए। तो आगे जाके तो मतलब और भी होगा, लेकिन अभी तो मतलब काफ़ी सारी मूवी आनी बाकी हैं। 5 अप्रैल, 5 मई को और भी 1-2 मूवी रिलीज़ होंगी। और तो मुझे लगता है कि ये मूवी अपने लाइफ टाइम में लगभग 400 से 500 करोड़ भी कर सकती है। और अभी तक इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 125 करोड़ हो चुका है 2 ही दिनों का। आपको क्या लगता है कि ये मूवी अपने लाइफ टाइम में कितना कमाएगी और मूवी होगी हिट या फ्लॉप, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्पेशली आप ये भी बताइएगा कि मतलब किसकी जो एक्टिंग है वो आपको ज़्यादा पसंद आई है। और मैंने तो फर्स्ट पार्ट ऑफ देख लिया है और सेकंड पार्ट आज मैं देखने जा रहा हूँ, तो आपको ज़रूर बताऊँगा ये मूवी कैसी है। और वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।